नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। मंत्रालय जहां जनता से जुड़ी योजनाओं का खाका खींचा जाता है और जिस पर योजनाओं पर अमल करने का जिम्मा होता है, किस मंत्रालय में कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं पर सरकार ने कितना काम किया, योजनाएं जनता तक पहुंची हैं या फिर नहीं, या फिर किस मंत्रालय के काम पूरे हो गए, किसके अधूरे हैं, किन योजनाओं को पंख लगे और कौन सी योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई, कौन सी फाइलें अटकी हैं और क्यों, आज हम करेंगे मंत्रालयों के कामकाज की तहकीकात और आपके सामने रखेंगे मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड। अब किसी भी देश की बात हो, किसी भी देश का जिक्र हो, तो वहां पर भविष्य से तय होता है कि वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। इस देश की मानसिकता में गुलामी भरने के लिए अंग्रेजों ने मैकाले की शिक्षा नीति को लागू किया, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी। फिलहाल पूरे भारत में राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है और इस मोदी सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय नई शिक्षा नीति बना रहा है। मोदी सरकार बनते ही स्मृति ईरानी को मानव संसाधन एवं विकास जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, लेकिन स्मृति ईरानी देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालने के दौरान लगातार विवादों में रही। इसके बाद स्मृति ईरानी की जगह प्रकाश जावड़ेकर को देश का नया मानव संसाधन और विकास मंत्री बनाया गया, लेकिन क्या मंत्री बदलने से देश की शिक्षा की तस्वीर बदल गई? मोदी सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने 3.5 साल के दौरान कितना काम किया, आज हम इसी पर लेंगे अपना जायजा। किस देश की मानव शक्ति कैसी होगी, ये इस पर निर्भर करता है कि उस देश में शिक्षा का स्तर कैसा है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का दावा है कि मोदी सरकार सत्ता में आई तो इसी बात को ध्यान में रखकर सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के संकल्प को लेकर अपनी योजनाओं को कार्यरूप देना शुरू किया है। डिजिटल क्रांति के युग में दुनिया की चौहद्दी बहुत सिमट गई है। अगर हमने विश्व के बदलते परिवेश के साथ अपने आप को तैयार नहीं किया तो हमारी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम डिजिटल तकनीक को आत्मसात कर लें, जिसकी आवश्यकता शिक्षा की शुरुआती स्तर से ही महसूस की जाने लगी है। स्कूली शिक्षा का डिजिटलीकरण। मानव संसाधन मंत्रालय का कहना है कि स्कूलों, छात्रों, अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन का डिजिटलीकरण करके उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने की ओर जोर शोर से कोशिश की जा रही है। इस दिशा में जो बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं: स्कूली बच्चों को आधार से जोड़ना। 30 नवंबर 2016 तक 5 से 18 वर्ष की उम्र के 24,49,20,190 बच्चों को आधार से जोड़ दिया गया था, जो उनकी कुल जनसंख्या का लगभग 70% है। ई संपर्क पोर्टल। 50,07,729 शिक्षकों से संबंधित आंकड़ों को ई संपर्क पोर्टल से जोड़ दिया गया है। जीआईएस मैपिंग। इस योजना के तहत स्कूलों को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इससे किसी भी बस्ती से एक उचित दूरी पर स्कूलों की कमी को पूरा करने में आसानी हुई है। इस प्रकार देश के सभी स्कूलों के आंकड़े और जानकारी UDISE यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पर उपलब्ध है। इससे जमीनी स्तर पर चल रही योजनाओं और उस पर होने वाले धन खर्च की जानकारी मिल सकती है। ई पाठशाला। दोष रहित अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए ई पाठशाला शुरू की गई है, जहां सभी पुस्तकें और अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं। शाला दर्पण। स्कूलों के कारगर प्रशासन व्यवस्था के लिए शाला दर्पण के तहत उन्हें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है। 5 जून 2015 को 1099 केंद्रीय विद्यालयों से इसकी शुरुआत हुई। शाला सिद्धि योजना। मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 7 नवंबर 2015 से शाला सिद्धि योजना को शुरू किया है। इस पोर्टल पर सभी स्कूल निर्धारित 7 मापदंडों के आधार पर खुद का मूल्यांकन करते हैं, जो सभी के लिए उपलब्ध होता है। मिड डे मील। मानव संसाधन मंत्रालय ने मिड डे मील में होने वाली गड़बड़ियों को ई पोर्टल और आधार नंबर की मदद से काफी हद तक कम कर दिया है। इसके लिए बजट से होने वाले धन आवंटन को वास्तविकता पर आधारित करने का प्रयास किया गया है।
मंत्रालय के अनुसार आधार के चलते फर्जी नामों में कमी आई है, इससे सरकारी खजाने का बोझ बहुत कम हुआ है। विज्ञान एवं अंकगणित का एक पाठ्यक्रम। बदलते समय में विज्ञान और गणित की प्रमुख भूमिका को देखते हुए मानव संसाधन मंत्रालय ने जरूरी बदलाव किया है। अब सभी राज्यों के बोर्ड में NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा ही दी जा रही है। शगुन वेब पोर्टल। केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का कहना है कि वो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोग और प्रगति से छात्रों और शिक्षकों को जोड़ने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसको देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल शगुन का शुभारंभ किया गया है। मंत्रालय का दावा है कि उनकी प्रभावी नीतियों के चलते 6 से 13 वर्ष की उम्र के अधिक बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस वर्ग में 20.78 करोड़ बच्चे हैं। UDISE के अनुसार 2015-16 में 19.67 करोड़ बच्चे देश के 14.49 लाख प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्राइमरी से हायर प्राइमरी में प्रवेश लेने वाले बच्चों का औसत 2009-10 के 83.53 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 90.14 प्रतिशत हो गया है। यही नहीं, अब केंद्रीय विद्यालयों के लिए ऑनलाइन दाखिला फॉर्म की शुरुआत भी कर दी गई है। शिक्षक छात्र का अनुपात भी बेहतर हुआ है। 2009-10 में 32 छात्रों पर एक शिक्षक थे, वो अनुपात 2015-16 में 24 छात्रों पर एक शिक्षक तक आ गया है। मानव संसाधन मंत्रालय स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तमाम दावे कर रहा है। आज भी देश की स्कूली शिक्षा बदहाल है। सरकारी स्कूलों की दशा इतनी बदहाल है कि लोग उनमें अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते। ना तो स्कूलों में कोई बुनियादी सुविधाएं हैं और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की व्यवस्था। ऐसे में मानव संसाधन मंत्रालय के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो मानव संसाधन मंत्रालय के कामकाज पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की जनता यानी कि वाराणसी की जनता क्या सोचती है, आइए सुनाते हैं। इस समय तो शिक्षा का ग्राफ ऊंचा हुआ है और हर अध्यापक आए हुए हैं। अभी देख लीजिए सामने BTC का जो निश्चित तौर पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आया है, क्योंकि इस सरकार के पहले जो सरकारें आती थी तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम लोग कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन अब इसके बारे में चर्चा होने लगी है। मुफ्त किताबें, मुफ्त स्कूल बैग, स्वेटर और ड्रेस सभी कुछ दे रहे हैं और शिक्षा का स्तर भी निश्चित रूप से सुधरा है। डिफरेंस देखा जाए तो कोई खास नहीं है, उन्होंने भी जो बहुत कुछ किया था, लेकिन कुछ तो बदलाव है जरूर, ये तो मानना पड़ेगा। बच्चों को स्वेटर दिया जा रहा है, जूता मोजा शर्ट दिया जा रहा है, वैसे पिछली सरकार में भी दिया जा रहा था, कुछ खास डिफरेंस नहीं नज़र नहीं आया। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय भले ही देश में स्कूली शिक्षा विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत उसके दावों से मिल नहीं खाते। आज भी देश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं और ऐसे में सवाल सरकार के उस नारे पर है जो ये कह रहा है कि बच्चे पढ़ें और बच्चे बढ़ें। ये तस्वीर है तेलंगाना के मेडक जिले की, जहां के सरकारी स्कूलों के शिक्षक स्कूल की बदहाली के विरोध का अनोखा तरीका निकालते हुए हेलमेट पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों को इस बात का डर है कि न जाने कब जर्जर छत ढह जाए। अब चलिए दूर नहीं जाते हैं, अब यूपी की ही एक तस्वीर दिखाते हैं जो शिक्षा के गुणवत्ता के सरकारी दावों की पोल खोल देगी। ये देखिए, ये है CM योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर के झरवा गांव का सरकारी स्कूल। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि छात्र कचरे के पहाड़ नुमा ढेर में पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में ये गंदगी कभी भी किसी छात्र की जान ले सकती है, पर क्या किसी का यहाँ ध्यान नहीं गया होगा कितनी परेशानी होती है यहाँ, सुनिए। कूड़ा बहुत ही पहले से है, ग्राम प्रधान जी जो है गिरवाए थे ये सड़क बनवाने के लिए, तो लेकिन जो है वो प्रधान उनका हट गया, लेकिन जो है ये जब से गिरवा है बहुत तेज बदबू करता है, ये बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। कूड़ा वाला स्कूल कहते हैं,
यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं, एडमिशन कराने के लिए कहा जाता है तो नामांकन भी नहीं करवाने आते हैं। नहीं, बरसात के समय चूंकि आप खुद इसको देख सकते हैं, इतने ज्यादा कूड़े गिर गए हैं कि काफी इस पर मक्खियां गिरती रहती है, कई कीटाणु है जिससे हो सकता है कालरा हैजा का भी जो डर रहता है वो हमेशा बना रहता है। बच्चे चूंकि हमारे यहीं खाते हैं, हमेशा डर बना रहता है, लेकिन क्या करें, जो व्यवस्था इसी में काम करना पड़ रहा है। हमने कानपुर के तिलक नगर में बने नगर निगम महिला इंटर कॉलेज में जाकर हालातों का भी जायजा लिया तो स्वच्छ भारत की पोल यहाँ भी खुली। यहाँ शौचालय की गंदगी की वजह से छात्राओं का बुरा हाल है, पर प्रधानाचार्य ने स्टाफ की कमी का हवाला दिया। हम उत्तर प्रदेश के कई कोनों में जा रहे थे। अब ये दो तस्वीरें ताजनगरी आगरा और रायबरेली की हैं। दोनों जगह हाल बेहाल है। आगरा का वजीरपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में न पानी की व्यवस्था थी और न ही पक्के शौचालय की। गंदगी का अंबार यह बोनस के तौर पर था। शिकायत यहाँ पर भी कई बार की गई पर हर बार की तरह सुनवाई नहीं हुई। अराजक तत्वों ने स्कूल को मैखाना बना रखा है। वहीं रायबरेली जिले के शिवगढ़ ब्लॉक के नारायणपुर स्कूल में 8 बजे खुलने वाले स्कूल में मां साहब पहुंचते हैं 10 बजे के बाद। अब इसे कितने नंबर मिलेंगे ये हमारा शिक्षा विभाग जाने। अब एक ऐसी तस्वीर जो बेहतर शिक्षा के दावों की कमर तोड़ देगी। उत्तराखंड का पौड़ी, करीब 50 प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में यहाँ जान जोखिम में डालकर छात्र अपना भविष्य सवार रहे हैं। मासूमों के हाथ में किताबें और सर पर मंडराती मौत, दीवारों में ये दरारें, जर्जर छत। माँ बाप का भी कलेजा निकल आता है जब अपने जिगर के टुकड़ों को वो स्कूल भेजते हैं, लेकिन अधिकारी बजट का हवाला दे रहे हैं। लेकिन हमारा HRD मंत्रालय यहाँ कितने नंबर देगा? हमारे टीचर यहाँ जब बरसात होती है तो यहाँ ऐसे पड़ जाते हैं तो छत के गिरने का डर होता है, डर लगता है हमें। हमारे पास लगभग 50 विद्यालय ऐसे हैं जो काफी जर्जर स्थिति में है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्य योजना होती है उसमें रखा है। कोशिश बेहतरीन है शिक्षा का स्तर को बेहतर बनाने की, पर जब हमारे देश के गाँव तक शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं ना पहुँचे तो फिर यहाँ सब ढकोसला साबित होता है। गोरखपुर से जगदम्बा, कानपुर से शिव शर्मा और रायबरेली से रोहित APN। तो आपने देखा कि सरकारी स्कूलों के बदहाली का आलम क्या है, अब कानपुर की जनता स्कूली शिक्षा को लेकर क्या सोच रही है, जरा ये भी देखिए। देखिए 4 साल से ऊपर हुए हैं लेकिन सुधार नहीं, केवल सिर्फ कागजों पे सुधार हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है और इससे जनता में कोई खास मैसेज नहीं। जिस उम्मीदों के साथ में मोदी सरकार आई थी कि सुधार करेंगे, भ्रष्टाचार में करेंगे, एजुकेशन में करेंगे, वो कहीं पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ केवल एक कागजों पर सीमित रह गया। शिक्षा क्षेत्र में एक अच्छा कदम उठा रहे हैं और जैसे कि आपको बता दें मदरसे का एक मामला था, पहले जो चले आ रहे ढर्रे पे मदरसों में क्या पढ़ाया जाता, ये चाहते हैं कि आधुनिक शिक्षा पढ़ाई जाए और इसे ट्रांसपेरेंट टाइप में किया जाए, तो उस पर विरोध अगर हुआ तो विरोध का मतलब ये होता है कोई काम अच्छा होता विरोध होता है। शिक्षा में अभी तक तो सुधार नहीं हुआ, प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन कड़ाई की गई है, लेकिन जब तक शिक्षक नहीं चाहेंगे, शिक्षकों को उनके मानक के अनुरूप सुविधाएँ नहीं दी जाएंगी, तब तक शिक्षा का सुधार मुश्किल और नहीं बल्कि असंभव है। जो शिक्षक पहले अपने कॉलेज में आते तो चले जाते थे सिग्नेचर करके, अब सभी लोग पूरा समय दे करके जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा में सुधार के साथ साथ हमको अभिभावकों को भी सुधार करना पड़ेगा, जो विद्यार्थी आते हैं उनको भी हमें समय देना पड़ेगा, तभी यह समाज की व्यवस्था सुधर पाएगी। अब चूंकि मसला स्कूली शिक्षा का है तो भोपाल के लोगों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। क्या सोच रहे हैं भोपाल के लोग, क्या कह रहे हैं? कहीं हमको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा इतिहास था वाकई में वो दोबारा हमारे पाठ्यक्रमों में वापस लेके आया जा रहा है। आज लोगों को, बच्चों से आप पूछेंगे तो वो बच्चे बताते हैं कि वीर सावरकर कौन थे, उन्हें ये भी पता है कि हमारे अटल जी ने क्या क्या किया है। जो गरीब वर्ग है उन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे कि आज का युवा वर्ग बहुत जागरूक हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत योजनाएं बनाई हैं, बहुत अपग्रेडेशन हो रहा है, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत लोगों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। बहुत ही अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार का, कार्य हर क्षेत्र में बहुत अच्छा चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में तो विशेष रूप से बहुत ही अच्छे तरह से कार्य कर रही है। जहाँ तक मुझे पता है बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सी स्कीम लॉन्च हुई है और यंगस्टर्स को काफ़ी अच्छी स्कीम्स प्रोवाइड की गई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हैं उनने, ताकि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम कर सकें। बहुत अच्छे प्रयास कर रही है
और तो लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है और इस मौके को उनको पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो मोदी सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश में उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण और उसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच हो सके इसके लिए योजनाओं पर काम भी कर रही है। शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने के लिए सरकार नई शिक्षा नीति भी बना रही है, लेकिन पिछले 2.5 साल में मानव संसाधन मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए कितना काम किया जरा ये देखिए। किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ उच्च शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण और इसकी पहुँच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में उच्च शिक्षा का हाल बेहद चिंताजनक है। भारत में उच्च शिक्षा तक लोगों की पहुँच मात्र 25.6% है, जबकि अमेरिका में 66%, जर्मनी में 80% और चीन में 60% है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा का क्या हाल है। ऐसे में मानव संसाधन मंत्रालय देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े सुधार लाने का दावा कर रहा है। इसी के तहत कई जरूरी बदलाव और सुधार किए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय उच्च शिक्षा में सुधार के लिए क्या क्या कर रहा है। नई शिक्षा नीति। सरकार ने बदलते वक्त की जरूरतों को देखते हुए शिक्षा नीति में बड़े बदलाव का फैसला किया है। मानव संसाधन मंत्रालय 31 सालों के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति बना रहा है और ये नई शिक्षा नीति संभवतः नए साल के शुरुआत में लागू हो जाएगी। सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों का पैनल गठित किया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों, अध्यापकों, नीति निर्माताओं, सांसद और विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं। आम नागरिकों से भी ऑनलाइन राय मांगी गई है। इन सभी सुझावों पर सरकार अंतिम रूप से विचार करने के बाद जल्द ही देश के सामने एक नई शिक्षा नीति लेकर आएगी। फिलहाल पूरे भारत में राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है, जिसमें 1992 में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया था। इससे पहले स्वतंत्र भारत में पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत राज्यों के उच्चतर शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। RUSA के मानदंडों को पूरा करने पर राज्य की शिक्षण संस्थाओं को विशेष वित्तीय सुविधा और योजनाएं दी जाती हैं। इस अभियान की सभी जानकारियों की ऑनलाइन या ऐप के जरिए सभी स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये सर्वोच्च संस्था है जो देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। पहले मूल्यांकन के लिए NAC अपनी टीम भेजता था जो मौके पर मानदंडों को परखते थे। इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसको खत्म करके मानव संसाधन मंत्रालय ने सेल्फ असेसमेंट की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जो इस साल जुलाई से लागू हो गई है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 2016 से इस रैंकिंग सिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। इस रैंकिंग सिस्टम में देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता की निर्धारित मानदंडों के आधार पर रैंकिंग की जाती है। भारत रैंकिंग 2017 में कुल 2,995 संस्थाओं ने भाग लिया। इसके अंतर्गत 232 विश्वविद्यालय, 1,024 प्रौद्योगिकी संस्थान, 546 प्रबंधन संस्थान, 318 फार्मेसी संस्थान और 637 सामान्य स्नातक महाविद्यालय शामिल हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क GIAN। इस योजना के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं को विश्व के किसी भी देश के विशेषज्ञ को शिक्षण के लिए बुलाने का अवसर मिलता है। उन्नत भारत अभियान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ 12 जनवरी 2017 को हुआ। इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षण संस्थाएं चुने हुए नगर निकायों और गांवों के समूहों को विकास कार्यों की योजना बनाने और लागू करने में सहयोग देंगी। प्रथम चरण के लिए IIT दिल्ली संयोजक संस्था के रूप में काम कर रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017।
1 और 2 अप्रैल 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े 36 घंटों वाले हैकाथन का आयोजन किया। इसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने युवाओं से बातचीत की। इसमें 42,000 युवा प्रतियोगियों ने भाग लिया और विभिन्न मंत्रालयों की ऐसी 598 समस्याओं का डिजिटल समाधान दिया, जिससे काम की गति के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। इन सभी समाधानों के विकास का खर्च संबंधित मंत्रालयों को उठाना है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी 12 सितंबर 2016 को केंद्रीय कैबिनेट ने HEFA के स्थापना को मंजूरी दी। ये एजेंसी उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं और अन्य साधनों को उपलब्ध कराने के लिए धन की व्यवस्था करेगी। कैनरा बैंक को सरकार ने इसका प्रमोटर बनाया है। इसमें सरकार की 1,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। सभी उच्च शिक्षण संस्थान इससे लोन लेने के लिए योग्य होंगे। सरकार लोन के ब्याज का भार उठाएगी, जबकि शिक्षण संस्थाओं को केवल मूलधन चुकता करना होगा। मानव संसाधन के आंकड़े लुभावने और उम्मीद जताने वाले लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उतनी खुशनुमा नहीं है। आज भी ज्यादातर छात्र छात्राएं सुविधाओं के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे में सरकार के दावों को धरातल पर उतारने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बेहद जरूरी हो जाता है कि ये पता चले कि जनता क्या सोच रही है, कि मंत्रालय उस दिशा में कैसा काम कर रहा है। मेरठ की जनता ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को किस तरह से आंका है, जरा देखिए। क्षेत्र में बेहतरीन काम हुए हैं पिछले कुछ समय में, और आने वाली नई शिक्षा नीति जो है अगले महीने जो आने वाली है, उसमें 13 नए मसौदे जो हैं उस पर संभावना है टीचर्स की कि शायद उससे कुछ हायर एजुकेशन में सुधार आए। जी, शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार का काम बहुत अच्छा है और हमें संभावना है कि आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। सर, शिक्षा के फील्ड में तो सर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जैसे कि सर और सब फील्ड में तो हो रहा है, लेकिन शिक्षा में कुछ भी नहीं हुआ है। आजकल हमारे कॉलेजों में क्या है, कॉलेजों में बच्चे जाते हैं, टीचर पढ़ाने नहीं आते। अभी तक तो ऐसा सच कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं। कॉलेजेस में भी सेफ्टी नहीं है गर्ल्स के लिए, एंड एजुकेशन टीचर्स आते नहीं हैं। मुझे नहीं लगता मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य किया हो, क्योंकि कॉलेज जाते हैं बच्चे, टीचर्स नहीं आते हैं कॉलेज में, फिर क्या फ़ायदा ऐसा सरकार का। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था अभी उस स्तर पर नहीं हो पाया है। एजुकेशन जो ग्राउंड लेवल की, उसमें बहुत कमियां हैं। लाइब्रेरी की कमी है कॉलेजों में, बुक्स नहीं है, बुक्स प्रोवाइड नहीं होती हैं। तो एक ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होना चाहिए अभी, उसमें थोड़ी कमी बनी हुई है। तो काफ़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि आखिर किस तरह से सरकार ने काम किया है। जाहिर तौर पर कई सारे काम किए गए हैं इस दिशा में, लेकिन कई काम करने बाकी भी हैं, और जो काम नहीं किए गए शायद वो लोगों के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ऐसे में सरकार उस दिशा में क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।